Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Updates and welcome back to my channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई HR बिजनेस पार्टनर में करियर कैसे बनाएं, कैसे हमें ये जॉब्स मिल सकती हैं, कैसे हम ये फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, HR बिजनेस पार्टनर में क्या करियर है, कैसे प्रोस्पेक्ट्स हमारे डेवलप हो सकते हैं आगे फ्यूचर में. ओके सो चलिए, आई होप सो आपने दो सेशंस देख लिए होंगे पहले के, जिसमें मैंने बताया था HR बिजनेस पार्टनर का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है. सेकंड में हमने देखा था कि ऐसी कौन सी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं जो रिक्वायर्ड हैं HR बिजनेस पार्टनर के लिए अगर आपको बनना है. ओके वो दो सेशन जरूर देख लें, आपको मिल जाएंगे वो पिन कमेंट में, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है HR बिजनेस पार्टनर की, वो सेशंस देखेंगे तो ये सेशन बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज आपकी वही क्वेरीज रहेंगी फ्रेशर एक्सपीरियंस के बीच में सोचते रहेंगे. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो यहाँ पे साफ सीधी बात है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ तो होगा ना, कुछ कॉमन क्वालिफिकेशंस, कुछ स्किल्स ऐसी होंगी जो हम अपने अंदर डेवलप कर लें, जो क्वालिफिकेशंस हम ले लें या हमारे पास हैं तो वो हम उससे रिलेट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस से, जिससे कि हम अपना करियर इसमें बना सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई एजुकेशन क्या है. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मिनिमम एजुकेशन की, यहाँ पे ये मैक्सिमम एजुकेशन नहीं है, आप कितनी भी एजुकेशन ले सकते हैं वो आपकी अपनी विल है एंड एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट भी है. अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे ज्यादा आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, वहां पे कोई डिफरेंट टाइप की क्वालिफिकेशन वो डिमांड कर रहे हैं तो वो कंपनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है. मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे एक बैचलर डिग्री है, ये मिनिमम है बिल्कुल, जिसमें बैचलर डिग्री आपकी ह्यूमन रिसोर्स में हो सकती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकती है, साइकोलॉजी में भी हो सकती है. यस साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी से हैं तो बहुत अच्छा करियर हो सकता है आपका, स्पेशली यहाँ पर आप यू नो ग्रीवियंसेस पार्ट में, HR में स्पेशली. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट होकर बात कर रही हूँ, HR में अगर आप ग्रीवियंसेस डिपार्टमेंट में हैं, कंफ्लिक्ट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, किसी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप ये वाला, अगर आप HR में साइकोलॉजी से हैं तो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. इवन आपका जो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट है, जिसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, वहां पे भी साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है, बिकॉज हम बहुत आसानी से, अगर हम एक साइकोलॉजी स्टूडेंट रहे हैं तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कैंडिडेट को. ओके रेस्ट ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसा है कि हम प्रेफरेबल हैं कि बैचलर डिग्री अगर आपकी इसमें है, इसके अलावा अगर आपकी बैचलर डिग्री किसी और में भी है तो भी काफी हाई चांसेस है कि आपको इसमें आगे करियर मिल सकता है HR बिजनेस पार्टनर में, लेकिन उसके साथ फिर एक्सपीरियंस भी जरूरी होगा. यही इसके साथ इन्हीं डिसिप्लिन में, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी या किसी में आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो यस वो भी बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है और वो बहुत ज्यादा प्रेफर की जाती है. और इसके साथ अगर आपने कोई रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स में लिए हुए हैं राइट, और सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्टिफाइड प्रोफेशनल से आपने लिए हुए हैं तो यस ऑब्वियसली वो बहुत प्रेफरेबल रहेंगे अगर वो सर्टिफिकेशन आपने लिए हुए हैं, या फिर आपने कहीं अच्छे रेप्यूटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी से HR का कोई सर्टिफिकेशन लिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट डालेगा. बट अगर बात करी जाए कि क्या सिर्फ एजुकेशन से ही हम HR बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, नहीं, तो यहाँ पे हमारी बात आती है एक्सपीरियंस की. यहाँ पे हमें सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के किसी भी रोल में. आप HR जर्नलिस्ट हो सकते हैं बहुत समय तक के लिए, HR स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, HR मैनेजर पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी भी सीनियर प्रोफाइल पे हो सकते हैं, 10-15 years, 5 years, 10-15 years कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है. एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स का कितना एक्सपीरियंस चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन पे अगेन डिपेंड करेगा. ओके सो ये किसी भी डोमेन में हो सकता है, किसी भी रोल में, किसी भी स्पेशलाइजेशन में हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स में आपका एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए. डायरेक्ट आप सोचें कि बैचलर डिग्री करने के बाद या मास्टर्स डिग्री करने के बाद आपको कोई बिजनेस पार्टनर का रोल दे देगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक और एडवाइजरी रोल है जहां पे आप तभी किसी को एडवाइस कर पाओगे जब आपको उस चीज की नॉलेज होगी, जब आपने उसमें डील किया हुआ होगा, जब आपने किसी कंपनी के साथ काम किया हुआ होगा, जब आपने किसी कंपनी के साथ उसी डोमेन उसी स्पेशलाइजेशन में काम किया हुआ होगा राइट. तो ये तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर किसी ने खुद ही काम नहीं किया तो वो किसी को क्या एडवाइस करेगा राइट. तो ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि एडवाइजरी रोल है, एक स्ट्रेटेजिक रोल है, किसी भी लेवल की एडवाइस ली जा सकती है रोल्स के अकॉर्डिंग. ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर इंडस्ट्री नॉलेज. अब देखिए ये मैंने एक्सपीरियंस तो आपको बताया कि हाँ ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके साथ साथ इंडस्ट्री की नॉलेज जरूरी है. जिस भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो यस ये एडवांटेज ऐड करेगी. लाइक चलिए एक छोटी सी समझते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपने 10 साल काम किया है एज एन HR, आप HR मैनेजर थे, आपने वहां से स्विच कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं HR बिजनेस पार्टनर में मैं जाऊं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपने काम किया है, अब
आप जाना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में, तो यस हो सकता है आपको प्रेफरेंस मिल जाए बेस्ड ऑन आप आईटी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते रहते हो या आपको वैसे नॉलेज हो। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में 5-7 ईयर्स का हो जाएगा या 10 ईयर्स का भी है, तो ऑब्वियसली इजी होगा कि आईटी इंडस्ट्री में आपको बिजनेस पार्टनर का रोल मिल जाए, एचआर बिजनेस पार्टनर का। अदरवाइज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो आप हिट जाएंगे ही जाएंगे, राइट? तो ये है इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री नॉलेज बहुत ही तरीके की होती है, मतलब स्पेसिफिक रेगुलेशंस कौन से हैं, लेबर लॉज कौन से अप्लाई होते हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, ये ऑब्वियसली हेल्प करेंगे एचआर बिजनेस पार्टनर्स को डिसीजंस देने में, एडवाइस देने में एक्चुअली, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इंडस्ट्री पे स्पेसिफिक लॉज लगते हैं, उनके बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद देखिए, ये एक स्ट्रैटेजिक रोल है जहां पे आप बिजनेस ओनर्स, स्टेक होल्डर्स, लीडर्स, इनसे बात करने वाले हैं। तो बिजनेस एक्यूमेंट बहुत जरूरी है, जो हमने स्किल्स में भी बात की थी, राइट? स्किल्स आपको इंप्रूव करनी ही करनी है, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पर इसे डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस गोल्स, स्ट्रेटजीज की, ऑपरेशंस की जरूरी है। बिजनेस कैसे ऑपरेट होते हैं, बिजनेस कैसे चलते हैं, व्हाट इज द रीजन। लाइक अगर आप एक जर्नल किसी पर्सन से पूछो तो कह रहे कोई बिजनेस क्यों करता है यार, प्रॉफिट के लिए करता है। नहीं, ये रीजन नहीं होता कि खाली प्रॉफिट के लिए। देखिए, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर मनी, मॉनेटरी रीजन तो हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या रीजन है, क्या पर्पस है, किसी स्पेसिफिक बिजनेस को ही हम क्यों स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली आप कहोगे कि उसको उसमें नॉलेज है, उसने स्टार्ट किया, लेकिन हर पर्सन को जिसको नॉलेज है किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस की, क्या वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक बिगर गोल नहीं होगा। यार मैं चाहता हूँ बहुत सारे कस्टमर्स से मैं कनेक्ट करूँ, बहुत सारे कस्टमर की ये वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, यार ये कस्टमर की जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये ऐसे सॉल्व हो सकती है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के, क्या मेन गोल्स पर्पस है, इनको डीपली समझना इंपॉर्टेंट है, फाइन। चलिए नेक्स्ट आता है, देखिए मैं स्किल्स को ही थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऐसी क्वेरीज आई हैं, स्पेशली अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत आई हैं कि मैम एचआर बिजनेस पार्टनर में प्लीज फ्रेशर प्रोफाइल बताएं। तो प्रोफाइल के लिए मैंने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बता दिया, लेकिन ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे आप लोग फोकस नहीं करते, तो प्लीज इन पे करें। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन यहाँ पे चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पे लीडर्स, ओनर्स और स्टेक होल्डर्स से बात करने वाले हैं, वो लोग कैसे बात करते हैं, कैसे डीलिंग करते हैं, ये आना, ये पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब आप लेमैन की तरह उनसे बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप्स बनाने हैं मैनेजर्स के साथ, एग्जीक्यूटिव्स के साथ, तो यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है ही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन ना तो वो उसे सॉल्व कर पाते हैं और ना ही उसके ऊपर डिसीजन ले पाते हैं। यस, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये पता है, अरे यार ये ना बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, ये ना ये बॉस ये प्रॉब्लम करता है, मैनेजर ना ये प्रॉब्लम करता है, टीम में ना ये प्रॉब्लम है, बट दे डोंट हैव सोल्यूशन टू इट एंड दे डोंट वॉन्ट टू फाइंड द सोल्यूशन। यस, वो ना तो सोल्यूशन फाइंड करते हैं, बस उन्हें सिर्फ गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग से मतलब है। तो ऐसे लोग बिजनेस पार्टनर रोल में नहीं जा पाएंगे, मतलब डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ प्रॉब्लम्स निकालनी नहीं है, यू मस्ट हैव दिस एटीट्यूड कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन खोजना, इसको सोल्यूशन क्या हो सकता है फाइंड करना, एंड उसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे हम डिसीजंस ले सकते हैं, फास्ट डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें रिसर्च स्किल्स बहुत हेल्प करती हैं, आप सेम ही टाइप की इंडस्ट्री पर रिसर्च कीजिए, कई सारी कंपनीज पर रिसर्च कीजिए कि इनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई होगी। लाइक अगर कोई हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने में जो एक ही जैसे सोप बन रहा है, तो सोप को बनाने में कुछ हर्डल्स होते होंगे, वो शेप देना और वो कैसे यू नो स्टिफ रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब हो सकती है जो भी उसमें बनाने में होती है, तो वो एक स्पेसिफिक सोप इंडस्ट्री को सबको ही प्रॉब्लम आती होगी। उसके ऑब्वियसली सोल्यूशन होते होंगे कि केमिकल किस तरीके का होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब क्या मोल्ड्स होने चाहिए, तो वो चीजें आपको डीपली उस इंडस्ट्री की सीखनी होगी। एक छोटा एग्जांपल सोप इंडस्ट्री का मैंने ऐसे ही ले लिया, ऐसे आईटी में है, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, किसी में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हमने कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट नहीं है कि मैंने कुछ एम्प्लॉइज हायर करके आपको दे दिया, नहीं, यहाँ पे बिगर लेवल की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज मैनेजमेंट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हायर लेवल पे, क्योंकि चेंज इनिशिएटिव्स हमें लेने पड़ेंगे बहुत सारे, तो उन्हें कैसे लिया जा सकता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस अगेन बिजनेस का और चेंज मैनेजमेंट की प्रोसेसेस का होना जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी बात का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, तो वो आप पूछेंगे कि भाई ये प्रोसेस स्मूथन कैसे होगा, इसको कैसे चेंज किया जाए, एकदम से आप किसी एक सॉफ्टवेयर को बंद करके दूसरे सॉफ्टवेयर पे आ रहे हो, तो इसको कैसे चेंज किया जाए। मीन वाइल जितने में वो चेंज होगा उसमें 20 डेज, 15 डेज लग रहे हैं, 10 डेज भी लग रहे हैं, एक वीक भी लग रहा है, तो उस एक वीक में कैसे वो चेंज होगा,
ठीक है, वो कैसे ट्रांसफर होंगी चीजें और उस ड्यूरेशन में हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो चेंज मैनेजमेंट पे कमांड होनी जरूरी है। एंड लास्ट देख लेते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कल्चरल फिट होना, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ आप फिट हो पाए, वैल्यूज के साथ और कल्चर के साथ। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम गए, हम किसी और कल्चर और वैल्यू को बिलोंग करते हैं, जैसे हम किसी चीज में बिलीव करते हैं यार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम वही चीज हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस से गवर्न होता है नहीं होता है। ये हमारा एक माइंडसेट है कि नहीं यार ये वैल्यूज प्रैक्टिस है, कि मॉरल वैल्यूज के नाम पर हम बहुत सारे लोगों को ऐसे ही जज करते हैं, ऐसी कंपनीज को जज करते हैं, उनकी पॉलिसीज को जज करते हैं, विच इज नॉट राइट। क्योंकि जो भी कंपनी है उसके अपने विजन, मिशन, वैल्यूज, कल्चर क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रही हूँ कल्चरल फिट, आप पहले उस चीज को अंडरस्टैंड करिए और उसके साथ आपको अडेप्ट होना पड़ेगा। ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड यही है इतना इसमें, एंड प्लीज हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, एंड सो टिल नेक्स्ट वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।